की क्लास में हम विजुअल बेसिक का असाइनमेंट नंबर 11 करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि बैक कलर को चेंज करना है किसी भी कंट्रोल को। तो यहाँ पर हम किसी भी कंट्रोल के बैक कलर को चेंज करने का प्रोग्राम बनाएंगे, वो भी रन टाइम पर स्क्रॉल बार के द्वारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू चेंज बैक कलर ऑफ एनी कंट्रोल, और एग्जांपल में दिया है लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, इस तरीके की किसी भी कंट्रोल का बैकग्राउंड कलर हमको चेंज करना है। और हमको बैकग्राउंड कलर चेंज करने के बाद जो उसका प्रोसीजर अपनाना है वो होगा हमारा स्क्रॉल बार। बहुत ही सिंपल सा इसमें कोड बनेगा हमारा, और बहुत ही छोटा और आसान और अट्रैक्टिव प्रोग्राम है ये। इसके लिए हम विजुअल बेसिक ओपन करते हैं, और कोई भी एक, फॉर एग्जांपल मैंने एक लेबल बना लिया और लेबल पे लिखा हुआ जो टेक्स्ट है उसको हम गायब कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि एक टेक्स्ट जो है, एक लेबल जो बना हुआ है, और उसका इनिशियल कलर हम दे देते हैं पिंक। इसका कलर हमको चेंज करना है स्क्रॉल बार के द्वारा। तो हम यहाँ पर, आपको पता है कि कंप्यूटर में जो कलर्स होते हैं वो रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB फॉर्मेट पे काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर तीन स्क्रॉल बार पहले बना लेता हूँ, एक रेड के लिए रहेगा, एक ग्रीन के लिए रहेगा और एक ब्लू के लिए रहेगा। सॉरी, कॉम्बो क्रिएट हो गया, ये मैंने स्क्रॉल बार बना लिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्क्रॉल बार के नेविगेशन से आपको यहाँ पर तैयार करना है या रैंडम कलर्स जनरेट करने हैं या फिर कलर्स में चेंजेस करना है, बैक कलर को चेंज करना है। तो उसका बैक कलर पहले मैंने सेट कर दिया है, और ये रेड, ग्रीन, ब्लू के लिए। आप चाहे तो यहाँ पे लेबल भी दे सकते हैं कि ये किसके लिए है। तो मैंने अभी पहले वाले पर लेबल दे दिया है रेड, या आर लिख दिया मैंने, RGB के लिए आर। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, मैंने पेस्ट किया। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ग्रीन, और नेक्स्ट हम ले लेते हैं ब्लू। तो इससे हमको ये पता चलेगा रेड, ग्रीन, ब्लू के लिए है। अब आप देखेंगे कि किसी का भी कलर जो होता है वो रेड, ग्रीन और ब्लू से मिलके बनता है। कंप्यूटर में जो कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB कहते हैं जिसे। रेड, ग्रीन, ब्लू की वैल्यू अगर 00 है तो ये ब्लैक कलर होता है, और फुल हो जाती है, यहाँ पर पूरे को फुल कर देंगे तो ये वाइट कलर हो जाता है। तो ब्लैक से वाइट के बीच में सारे कलर्स होते हैं, और इनकी जो रेंज होती है 0 से 255 होती है। तो सबसे पहले इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, जो आपको 32 दिख रही है मैं यहाँ पर 255 कर देता हूँ। वैसे ही ग्रीन की भी मैं क्या कर देता हूँ 255, और इसकी भी मैं क्या कर देता हूँ 255। मैक्सिमम वैल्यू 255 का मतलब है कि ये जो लेफ्ट साइड में होगा ये होगी वैल्यू 0, और राइट साइड में टोटल यहाँ पर आने पर इसकी वैल्यू 255 हो जाएगी। और रेड, ग्रीन, ब्लू की वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाना है तो RGB में आप यहाँ पर दिखा भी सकते हैं। लेबल पे एक लेबल लगा लीजिए जिसका नाम है लेबल 5, और यहाँ पर इसको अलाइनमेंट आप इसको सेंटर कर सकते हैं, और यहाँ पर RGB की वैल्यू आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। RGB की वैल्यू दिखाने के पहले आप इसको ब्लैंक कर दीजिए, क्योंकि RGB की जो भी इनिशियल वैल्यू होगी वो यहाँ पर दिखाई देगी। क्लियर? तो RGB की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पर चेंज करेंगे तो ये R की वैल्यू, G और B की वैल्यू यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी। क्लियर? तो RGB की वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाना है, आप यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। अदरवाइज आप तीन अलग अलग, मैं जैसे यहाँ पर तीन अलग अलग बना देता हूँ, और इन तीनों को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, यहाँ पर ये वैल्यूज दिखाया करेंगे। तो इस तरीके से आप इनकी वैल्यूज देख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर? वैल्यूज को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो दिखने लगेगी, रेड, ग्रीन, ब्लू की क्या वैल्यू यहाँ पर सेट है। अब यहाँ पर कोड हमको कुछ नहीं करना है, केवल चेंज इवेंट पे काम करना है। जब भी मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, इसका एच स्क्रॉल बार ओपन हुआ, इसका चेंज इवेंट जो है आपका ओपन हो जाएगा, और इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है, लेबल 1 की जो बैक कलर है वो सेट करना है। लेबल 1 का जो बैक कलर है वो क्या होगा, RGB, और एच स्क्रॉल 1 की जो वैल्यू है, एच स्क्रॉल 1 डॉट वैल्यू, वैसे ही एच स्क्रॉल 2 डॉट वैल्यू, और वैसे ही है एच स्क्रॉल 3 डॉट वैल्यू। तीनों की वैल्यू जो है मैंने उसको
सेट कर दिया कि जब भी आप इस स्क्रॉल की वैल्यू चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर चेंज होगी। क्लियर है? तो इसको और थोड़ा अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं, वैसे उसको हम लास्ट में देखेंगे कि किस तरीके से रेड, ग्रीन और ब्लू की वैल्यू यहाँ पर सेट की जाती है। सेम यही कोड हमको सब में करना है, क्योंकि जब भी कोई भी एक स्क्रॉल बार जब भी चेंज होगा तो वो तीनों में सेम रिफ्लेक्शन देगा। तो मैं तीनों में ये सेम कोड को पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब देखेंगे कि जब मैं इसको रन करता हूँ तो इस तरीके का इफेक्ट दिखेगा। अभी जो ये राइट साइड में जो RGB लिखा है, इस पर कोई इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे देखिए ये ब्लैक कलर है क्योंकि तीनों ही ब्लैक के साइड हैं। जैसे जैसे मैं ये रेड की तरफ ले जाते जाता हूँ, ये रेड जो है ये आगे बढ़ते जा रहा है रेड। फिर अब ग्रीन, अब मैं इसको ज़ीरो पे लाता हूँ, ब्लैक हो गया। अब ये ग्रीन को बढ़ा रहा है, इसको वापस लाता हूँ, ये ब्लू को बढ़ा रहा है, रेड ग्रीन ब्लू। अब आधा अगर मुझे मैं ग्रीन और हल्का सा रेड मिलाऊंगा यहाँ पर, तो देखिए ये इस टाइप का कलर बनता है। क्लियर है? तो आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, ग्रीन के साथ ज़्यादा ग्रीन और थोड़ा सा ब्लू कलर लेंगे तो इस तरीके का कलर बनता है। ये देखिए इस तरीके का कलर जो है वो तैयार होता है। तो आप अपने कॉम्बिनेशन के साथ इसको तैयार कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन और देते हैं यहाँ पर, इसकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। जब भी इस पर क्लिक होगा तो यहाँ पर आपको देखना है कि इन लेबल्स का नाम क्या है। इसका नाम है लेबल 5, 6 और 7। क्लियर? तो जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो लेबल 5 पे रिफ्लेक्शन आएगा। लेबल 5 पे रिफ्लेक्शन कैसे आएगा, मैं इसमें एक कोड कर देता हूँ। लेबल 5.caption जो होगा वो क्या करेगा, H scroll 1 की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, और साथ साथ लेबल 1 का जो कैप्शन है वो क्या करेगा, सॉरी लेबल 1 नहीं, लेबल 5 का जो बैक कलर है वो एक सिंगल कलर को दिखाएगा। इसको मैं कर देता हूँ RGB और H scroll 1। आप यहाँ पर L और 1 पे कंफ्यूज नहीं होना है। H scroll 1.value और जो सेकंड वैल्यू है इसको 0 then 0। इससे क्या होगा, सिर्फ एज स्क्रॉल की वैल्यू यहाँ पर दिखाई देगी। इन दोनों कोड को मैं फिर से यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और आपको यहाँ पे पता है कि लेबल 6 करना है और यहाँ पे भी 6 करना है और यहाँ पर स्क्रॉल 2 करना है क्योंकि ये स्क्रॉल 2 के लिए है। वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रेड की वैल्यू थी, इसलिए इसमें ग्रीन की वैल्यू होने के कारण 0 को आगे लाना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रीन वाला है स्क्रॉल 2 जो है वो ग्रीन के लिए काम कर रहा है। और आपको पता है कि पहला वाला जो है रेड के लिए, दूसरा ग्रीन के लिए, वैसे तीसरे वाले को यहाँ लाना पड़ेगा। तो मैं फिर से यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर लेवल 7 करना होगा और यहाँ पर स्क्रॉल 3 करना होगा, और इसको बीच में नहीं बल्कि लास्ट में लाना होगा, 0 0 और इस तरीके से। तो ये दोनों को हम हटा देते हैं। अब देखिए आपको अलग अलग चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी और थोड़ा अट्रैक्टिव लुक यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो आप जब इसको ऐसे मूव करेंगे तो यहाँ पर देखिए दिखेगा कि केवल रेड की कौन सी वैल्यू ली जा रही है। तो रेड की वैल्यू देखो, ये रेड की 2 मतलब ज़्यादा वैल्यू ली गई है, वैसे ही ग्रीन की थोड़ी सी वैल्यू, यानी रेड इस तरीके का रेड और इस तरीके का ग्रीन अगर मिलाया जाए तो ये कलर बनता है, और इसमें थोड़ा सा ब्लू मिला दिया जाए, थोड़ा सा ब्लू मिला देते हैं। लेकिन ब्लू के लिए हमने यहाँ पर चेंज करना भूल गया कि इसका बैक कलर जो है ये 7 पे है ना। तो इस तरीके से देखिए, अगर मैं यहाँ पर रेड लेता हूँ और हल्का सा यहाँ पर ग्रीन ले लिया और थोड़ा सा ब्लू ले लिया, तो इन तीनों कलर का कॉम्बिनेशन ये होने वाला है। यही हमारा असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 11, जिसमें बैक कलर को चेंज करना था स्क्रॉल बार का यूज़ करके।